अभी तक हमने युवाओं में सचिन पायलट का जबरदस्त क्रेज देखा है, लेकिन अब सचिन के फैन की फहरिस्त में बच्चे भी शामिल हैं। जी हाँ, ये है श्री गंगानगर की कशिश, जिसने पिछले साल यानी 2021 में राजस्थान विधानसभा में सचिन पायलट की सीट पर ही बैठने की जिद की। और जब कशिश से ये पूछा गया कि आप क्या बनना चाहती हो, तो आप खुद ही उनका जवाब सुन लीजिए। सर, मैं कल बाल सत्र में गई थी, 14 नवंबर को विधानसभा में राजस्थान में हुआ था जी, तो मैं वहाँ पे आपकी सीट पर बैठी थी। उन्होंने पूछा अच्छा कि, लगा आपको जाके? हाँ, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा कि आपको क्या बनना है, मतलब मेरे को MLA टोंक बना दो। कशिश की इच्छा ना मुख्यमंत्री बनने की है, ना गृह मंत्री बनने की है, बस वो तो टोंक MLA बनना चाहती हैं। जी हाँ, जब कशिश खुद फोन पर सचिन पायलट से बात करती है और बताती है कि वो उनकी कितनी बड़ी फैन है। आप मेरे फेवरेट हो, मेरे को आपकी सीट पे बैठना था, मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। सिर्फ वो ही नहीं, उनका भाई भी है, लेकिन बच्चे की मासूमियत और प्रेम देखकर सचिन पायलट भला कैसे खुद को रोक पाते। उन्होंने भी बच्चे के प्यार को देखते हुए बच्चे से मिलने का वादा कर डाला। यकीन नहीं होता, आप खुद ही सुन लीजिए। और मैं अगली बार गंगानगर आऊंगा, आपके घर चाय पीने के लिए आऊंगा। अरे वाह सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, फादर को बोलना मैं आऊंगा अगली बार, जब भी आऊंगा अगले महीने, डेढ़ महीने में आई विल कम ओवर। ठीक है, प्लीज प्लीज। आपको जयपुर आओ दोबारा, मुझे मिलने आना कर। लेकिन आज के दौर में वादे निभाने के इरादे रखता ही कौन है, लेकिन जब बारी सचिन पायलट की हो तो यह आसानी से कहा जा सकता है कि वादा निभाना कोई सचिन से सीखे। जी हाँ, ठीक सुना आपने। आखिरकार सचिन पायलट ने श्री गंगानगर जाकर कशिश से मिलने का वादा पूरा ही कर डाला। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे कशिश सचिन पायलट से मिलकर बेहद खुश है, मानो उसे इसी सपने के पूरा होने का इंतजार हो। तो वही सचिन पायलट भी अपना वादा निभाते हुए बेहद खुश दिखाई देते हैं। लोकतंत्र की यही तो नींव है कि कैसे आप जनता से जुड़ते हो। जनता के मुद्दों से जुड़ना एक तरफ, लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट ने छोटी सी बच्ची की भावनाओं को समझकर उससे मिलने का वादा निभाया, उससे साफ तौर पर मैसेज जाता है, वादा निभाना कोई सचिन से सीखे।